लीजिए देवर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए चुमुखी महादेव टेम्पल में। इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता है और यहाँ पे भी पांडवों द्वारा ही स्थापना की गई है इस मंदिर की। और इसकी हिस्ट्री जो इतिहास है कुछ हटके है, तो है गे तीर। तो वो हम पंडित जी से आपको सुनवाएंगे। और यहाँ पर जो अर्जुन ने तीर छोड़े थे राक्षसियों का वध करने के लिए, वो भी यहीं पर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और महादेव का एक अद्भुत स्वरूप जो चार मुख है, उनके भी अभी आपको दर्शन करवाते हैं, तो बने रहे। ये इतिहास यहाँ पर बयान किया हुआ है। ये कुछ मंदिर का इस तरह से दृश्य। जय हो प्रभु। लीजिए महादेव जी के दर्शन कीजिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमेशा खुश रहें। और इनके यहाँ पे चार मुख किस लिए हैं, उसका सारा जो वर्णन है वो अभी आपको थोड़ी देर में पंडित जी से सुनते हैं। तो करिए दर्शन आप महादेव के। हाँ जी पंडित जी, इसकी हिस्ट्री बताओ। जो अंदर चार मुख है ना कंधे, नहीं? हाँ जी। और चार तीर है। अच्छा, तीर बाण। बाण तो ये मंदिर जो कहते द्वापर युग का मंदिर है। अच्छा जी। द्वापर युग के तीर है। अच्छा जी। द्वापर युग से पहले यहाँ पर राक्षस निवास करते थे। अच्छा जी। बीच में टापू था, आसपास में पानी पानी बहता था, ब्यास नदी था। अच्छा जी। और टापू के बीच में ही राक्षस रहते थे और बड़े बलवान थे। बड़े बलवान क्यों थे? वो ही तपस्या करते थे और वरदान मांग लेते थे, तथास्तु देना पड़ता था। परंतु बाकी देवते नाराज हो जाते थे कि ऐसा वरदान मत दिया करो इनको। जो राक्षस है ना कंधे, नहीं, उनको ऐसा वरदान मत दिया करो। तो शंकर भगवान जी कहते हैं कंधे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ इन्होंने तपस्या की है, वरदान मांगे हमें दे दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी। थोड़ा हौसला जाता था। हाँ जी। तो द्वापर युग में पांडव दर्शन करने के लिए गए हुए थे कंधे, कहाँ? कैलाश पर्वत, शंकर भगवान के पास। और इधर से कंधे देवते और ऋषि मुनि लोग वो भी चले गए कंधे। पहले वैकुंठ धाम में गए विष्णु भगवान की शरण में, महाराज कुछ करो मतलब तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, बाद में इनकार कर दिया, नहीं ये उपाय मेरे पास नहीं है, चलो चलिए शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत। तो शंकर भगवान के पास चले गए कंधे, ऋषि मुनि वगैरह बाद देवता है। तो शंकर भगवान के आगे प्रार्थना की, फिर महाराज कुछ करो। तो शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनको सब कुछ पता था कि पहले भी लड़ाई हो चुकी है और राक्षस माने नहीं, इनकी जीत होती रही। अब अंत में आप हमारे पास आ गए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पांडव पहले गए थे हुए शंकर भगवान के पास दर्शन करने के लिए। तो शंकर भगवान ने सोचा
क्या सोचा कि जो देवते हमारे पास आए हैं इनकी प्रार्थना भी हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो पांडव आए हैं इधर तो उनकी हम परीक्षा भी ले लेते हैं, इन्होंने भी वरदान मांगे हैं तो कुछ करेंगे या ना करेंगे, है नहीं? अच्छा जी, कुछ कर गए कि नहीं कर गए? नहीं कर गए कि नहीं जी, वरदान तो इन्हें ले लियो, वरदान तो ले लियो। तो शंकर भगवान को सब कुछ पता था, तभी शंकर भगवान ने चार मुखदार रखी, चारों तरफ नजर की। क्यों रखी? कि अब अंत में भारी लड़ाई लगेगी और राक्षस अपना रूप ना बदले, अपनी काया ना पलटे। तभी शंकर भगवान ने चार मुख डाले कि राक्षस अपना रूप ना बदले, अपनी काया ना पलटे, लड़ाई के समय पर छल कप ना करे, छल कप ना करे। फिर पांडवों को हौसला दिया करेंगे शंकर भगवान ने, तो उनको पहचान हो सके राक्षसों की ना, अर्जुन को, अर्जुन को, अर्जुन ने फिर बाण मारे कैलाश पर्वत। अच्छा, कैलाश पर्वत जहाँ पर मारे? हाँ जी। अच्छा, जो तीर है ना ये कैलाश पर्वत से मारे। अच्छा जी, जो इधर राक्षसों के लिए। अच्छा जी, तो राक्षसों को तीर लग चुके परंतु इधर मरे नहीं, वो मरे कहाँ? पीछे आधा किलोमीटर थोड़ा कर, पीछे कौन सा मंदिर? पीछे पुल है ना आधा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो सड़क ऊपर को गई ना। हाँ जी, दो दुओं को, दो दुओं को गई, पीछे को गई। अच्छा जी, तो वहाँ पर कंधे पुल अपन पीछे। अच्छा जी, तो उसको हम बोलते हैं खैर खट, खैर खट, खैर खट, खैरन खट, खैरन खट के पास दंत बरड़ा नाम की भूमि में राक्षसों ने प्राण त्याग दिए। तीर इस जगह पर लगे, मैंने प्राण उसकी निकल। अच्छा जी, तीर यहाँ लगे, प्राण वहाँ, वहाँ पर भी राक्षस पर मूर्तियाँ हैं। अच्छा जी, जहाँ राक्षसों ने प्राण त्याग नहीं, वहाँ पर मूर्तियाँ हैं राक्षस। उस मंदिर को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, ऐसे पड़ी है। अच्छा जी, जमीन में पड़ी। अच्छा, तभी उसको बोलते हैं दंत बरड़ा, नहीं गंदे दंत बरड़ा बोलते हैं, दांतों की जगह राक्षसों की जगह कम। अच्छा जी, दंत बरड़ा, आज भी उस जगह का नाम है दंत बरड़ा, दंत बरड़ा, कि राक्षसों ने इधर प्राण त्यागे। ठीक है, फिर पांडव आए जगह पर, फिर पांडव ने मंदिर स्थापना की थी, कहाँ शंकर भगवान जी खुद विराजमान हो, जिदा चार मुखदार किए नहीं लड़ाई के टाइम में, उस तरह करते विराजमान हो जगह, ताँच मुखा बोले मुखा महादेव, मुखा महादेव। तो एक आधा तीर है वो आगे नदौन, नदौन पड़ता 10 किलोमीटर। हाँ जी, नदौन का राजा था करेंगे, उसने परीक्षा ली थी कि इन तीरों में कितनी पावर होगी, कितनी शक्ति होगी, हाथी से पटवाना चाह रहा था। हाथी ने पूरा बल लगाया था, पूरा जोर लगाया था, तीर पटवाया नहीं, आधा टूट गया। अच्छा, उस समय एक आदत नहीं था। अच्छा, राजों का नदौन का राजा, बाद में पांडव नीचे चले गए, कलेश्वर महादेव, कलेश्वर महादेव। हाँ जी, पहले पांडव यहाँ पर आए थे, फिर कलेश्वर महादेव। ये है इस मंदिर में नंदी महाराज चारों दिशाओं में है, और भोले शंकर को देख रहे हैं ऊपर को मुख करके। ये तीर है जो अर्जुन द्वारा छोड़े गए थे, चार तीर ने चार ही शंकर को, चार ही मंदिर का। तो ये टूटे हुए जो तीर है उनके स्थापना यहाँ पर है। लीजिए दोस्तों, झलक हिमाचल की
जो टाइटल से हमने ये सफ़र शुरू किया था उसकी आज समाप्ति होती है, और हमने पूरे मन से कोशिश की है अच्छा दिखाने की। कुछ उसमें ऐतिहासिक था, कुछ धार्मिक था, कुछ मनोरंजन था, सबको मिला जुला कर आपको हमने पेश किया है ये वीडियो। तो कैसे लगे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमारा जो आगे का सफ़र है वो अच्छा जाए। आपके सहयोग से हमें भी उम्मीद रहे कि व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और हमारी दिली इच्छा रहेगी कि हम आगे से आगे और बढ़िया वीडियोस आपके सामने लेके आएं। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो अकेले सफ़र के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आपको मेरा वो स्लोगन भी पता होगा, तो बने रहें, खुश रहें, जिंदगी में एंजॉय करते रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप एवरी वन लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। गुड डे।